तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम द फर्गुसन कॉलेज। फर्गुसन कॉलेज एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पुणे का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज भी माना जाता है साइंस एंड आर्ट्स का। तो यह इसका जो फाउंडेशन है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि सावरकर जी का रूम देखेंगे कि किस रूम में वो पढ़ते थे और कैसा है यहाँ का माहौल, कैसा है यहाँ का हॉस्टल, क्या कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं कि नहीं हुई है। वैसे ये मेरा पहला ऐसा ब्लॉग रहेगा जिसमें मैं किसी फ्रीडम फाइटर की इंस्टीट्यूशन में जा रहा हूँ जहाँ पर वो स्टडी करते थे। तो लेट्स एक्सप्लोर द FC। लगभग 1885 में इस कॉलेज की स्थापना की गई थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। और उस वक्त के जो बॉम्बे के गवर्नर थे जेम्स फर्ग्यूसन, तो उन्हीं के नाम से इस कॉलेज का नाम भी रखा गया था। तो लगभग 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था मंगल पांडे और ब्रिटिश के बीच में, तो उसके बाद से जो इंडियन रिफॉर्मर थे, जो लीडर थे मेन, वो चाहते थे कि अब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को भी आगे बढ़ाया जाए। तो उस जो रिफॉर्मर थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, आपके विष्णु शास्त्री हो गए या गोपाल गणेश अगरकर हो गए, तो ये तीनों मिलकर एक डिज़ाइन बनाते हैं स्कूल का। 1885 में ये फर्ग्यूसन कॉलेज बन के हो जाता है तैयार। तो यहाँ जो है काफ़ी दिन से बारिश हो रहा है, मतलब बारिश भी ऐसा आ रहा है, कभी शावर की तरह हो रहा है, तो बहुत कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है बारिश। तो कल मैं जो गया था, कल मैं शोर किया था वो था शनिवार वाड़ा, और वहाँ पे मैं फूले जो सावित्री बाई फुले ने जो फर्स्ट बिल्डिंग में जो स्कूल खोली थी गर्ल्स कॉलेज स्कूल, तो वहाँ पर वो मुझे बिल्डिंग नहीं मिल पाया। तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बहुत तेज़ है। लगभग 1921 में यहाँ पर NCC मतलब नेशनल कैडेट कॉप्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो नेशनल कैडेट कॉप्स के दो यूनिट यहाँ पर, पहला जो यूनिट है वो आर्मी विंग है, दूसरा जो यूनिट है वो नेवल विंग है। तो आर्मी कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्म फोर्सेज की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है यहाँ पर, लेकिन नेवल कैडेट की ट्रेनिंग के लिए इंडियन नेवी से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा नहीं जाता। केवल और केवल वहाँ पर जो रहता है वो रूल्स के अकॉर्डिंग, नेवल रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये कभी भी ये जो NCC जो कैडेट होते हैं इन्हें रिजर्व करके रखे जाते हैं, कभी भी अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर ये काम आएंगे। तो FC कॉलेज को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया, पहला जो सेक्शन है वो जूनियर सेक्शन है और दूसरा जो सेक्शन है वो सीनियर सेक्शन। सीनियर सेक्शन में क्या है कि उसको भी दो डिवाइड में, यहाँ पर जैसे बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री के लिए लगभग 29 डिसिप्लिनस है और मास्टर डिग्री के लिए कम से कम 16 है यहाँ पर। तो हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे बॉटनी का, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप फोटोग्राफी वगैरह भी कोर्सेज करना चाहते हैं तो FC में अवेलेबल है। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब लगभग 1800 के अराउंड जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जिस तरीके से बनाया गया था यहाँ पे, उस तरीके से बिल्डिंग आज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अरे जो सामने जो देख रहे हैं वो बॉटनी डिपार्टमेंट है वहाँ पे, और उसके सामने जस्ट आपको जूलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा, उधर जियोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा, उधर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट मिलेगा आपको। तो ये देखिए यहाँ पर ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उसी के बगल में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है यहाँ पर। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस बोर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी वो बोर्ड पहले के ज़माने का ही रखा गया। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है यार। तो वैसे भारत में बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं, जैसे राजस्थान वगैरह में चले जाते हैं या केरल में, आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी आप देख सकते हैं उसे। तो उसी तरीके से इस कॉलेज के ज़मीन के लिए जी, जो ये कॉलेज है ये 37 एकड़ में बना कॉलेज है, और इस ज़मीन को 1 रुपये के बदले 99 साल तक लीज पर दिया गया था, जो भांबुरदे गांव के पाटिल मतलब बड़े ज़मींदार हुआ करते, उनके पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करते थे। तो ऐसे ही आप राजस्थान में चले जाते हैं तो वहाँ पर एक कूल स्कूल है, जो गर्ल्स स्कूल उसे कहते हैं, जिन्होंने वहाँ के जो राजस्थान के जो प्रिंस थे उन्होंने ज़मीन को दान किया था वहाँ पर। ऐसे ही आप हिमाचल में चले जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े धर्मशाला आपको दिखेंगे, बड़े बड़े आज भी ऐसे पुराने स्कूल है जिस ज़मीन पर जो स्कूल बना वो भी एक दान किया हुआ है। तो हमारे भारत में बहुत ऐसे ऐसे महान दानवीर रहे हैं। तो लगभग 2015 से पहले ये जो कॉलेज है FC कॉलेज है,
ये UGC के अंडर में नहीं था। UGC का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसके तहत जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे फंड प्रोवाइड करती है कैंपस सिलेक्शन करवाने के लिए, बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। तो 2015 के बाद इसे UGC में ऐड किया गया। ये यहाँ पर इस कॉलेज का हॉस्टल है, और ये जो सोसाइटी है, ये मतलब कि एक सोसाइटी है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंडर में ये कॉलेज खोला गया था। लेट्स गो इनसाइड द हॉस्टल। तो यहाँ पर लगभग 6 ब्लॉक्स हैं हॉस्टल के, तो 4 जो ब्लॉक्स हैं वो बॉयज़ के लिए और 2 ब्लॉक्स हैं वो है गर्ल्स के लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं ये स्कूल के हॉस्टल्स हैं। तो ये इसका जूनियर कॉलेज इधर हो जाता है, जो मतलब कि साइंस या फिर आर्ट्स के स्ट्रीम वाले बंदे इधर रहते हैं। और उनका जो हॉस्टल था, जिधर भी गया था पहले, वो उस जूनियर कॉलेज का हॉस्टल है। तो जो 65 एकड़ की जो ज़मीन है जिस पर कॉलेज बना, उस पर से 2 एकड़ की ज़मीन पर एज अ बॉटेनिकल गार्डन यहाँ पर बनाया गया है। एक अलग अलग आपको स्पीसीज मिलेंगे। कैंपस, ओके, तो ये पहले का कैंपस सेक्शन है, वो देख सकते हैं, फॉर्गुशन कॉलेज कैंपस जेंट्स ब्लॉक नंबर 1। तो ये है मेन कॉलेज का हॉस्टल। तो इसी जगह पर सावरकर जी रहते थे, और सावरकर जी की जो स्टडी भी है वो यहीं हुई है। ये मैं थोड़ा सा छुप के आया हूँ हॉस्टल में। तो आज भी जो सीढ़ी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पुराना है यहाँ पे। काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, वाह। यार यहाँ का हॉस्टल देख के मुझे अपने गांधी पॉलिटेक्निक के हॉस्टल की याद आ गई है। इनका कमरा देखने, वैसे ये बंद होता है। तो रूम नंबर 17 सावरकर जी का रूम था, तो ये बंद होता है हमेशा, पुण्यतिथि के दिन ही खुलता है ये रूम। रूम है सावरकर जी का। मैं पहली बार मतलब किसी फ्रीडम फाइटर के, जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन लिया है, मैं वो रूम देख रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा बिल्कुल भी। जो मेरे सामने देख रहे हैं ये लाइब्रेरी है यहाँ का, जो उस वक्त के जो इंडस्ट्रीज थे वाड़िया, तो उन्होंने अपने मदर के याद में इस लाइब्रेरी को इस कॉलेज कैंपस में बनवाया था। और यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लगभग 300,000 बुक्स हैं। तो जितने भी रिसर्चर्स हैं या जितने भी बुक लवर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर बुक्स को डोनेट किया है, मतलब डोनेट किया है यहाँ पर। कॉलेज का सबसे मेन बिल्डिंग ये है यहाँ पे। और वो मेन गेट है वहाँ पे सामने, लेकिन मेन गेट के पास अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो फिर मैं अंदर नहीं आ सकता। इन बिल्डिंग के बगल में आएंगे तो आपको साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट यहाँ पे मिलेगा। ये साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है यहाँ पे। और ये जो है लेडीज रिक्रिएशन हॉल है यहाँ पे साइड में, मतलब हर तरीके की सुविधा आपको इस कॉलेज में मिलेगा। और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे। बैक साइड आएंगे तो आपको फोटोग्राफी का डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मिलेगा, और इसी के बगल में बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे। तो चलता हूँ बाहर, वरना अगर किसी ने मुझे अंदर देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो ये इस कॉलेज के पीछे का गेट और यहाँ का प्लेग्राउंड। बारिश के कारण सब चीज़ बंद है यार। और ये मेरे सामने है जिम खाना।
तो ये था मेरा एफसी कॉलेज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बारिश का मजा लीजिए।